हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल. आई एम पल्लवी. सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे. सो बहुत दिनों के बाद आज मैं एक वीडियो शूट करने जा रही हूँ. सो बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं, आई थिंक 2 वीक्स से भी ज़्यादा हो गए हैं. बट कुछ प्रॉब्लम्स थे एंड थोड़ा बिजी भी थी, इस वजह से मैं नहीं कर पा रही थी. एंड एक बार अगर आप रूटीन से थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाते हो ना, तो फिर रूटीन में आना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. बट मैं कोशिश कर रही हूँ एंड शायद अब मैं अपने रूटीन में वापस आ जाऊँगी. सो आज मैं सोच रही हूँ एक वेडिंग गेस्ट लुक क्रिएट करने का, क्योंकि वेडिंग सीजन अब आ ही रहा है, मीन्स अब स्टार्ट ही होने वाला है. सो मैं सोच रही हूँ कि एक वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि वो हेल्पफुल हो जाए आप लोगों के लिए. क्योंकि मैंने कोई दिवाली लुक शेयर नहीं किया, ऐसा कुछ मैंने शेयर नहीं किया है. तो मैं सोच रही हूँ कि अब एक ऐसा लुक आप लोगों के साथ शेयर करूँ जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो है. एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके ही जाएं. एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए. सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो मैं यहाँ ले रही हूँ रोज वाटर एंड इसे मैं एक कॉटन पैड की हेल्प से अपने फेस को अच्छे से क्लीन करूंगी. एंड इसकी हेल्प से मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लूंगी, क्योंकि विंटर सीजन आ चुका है, तो आपको अपने फेस को अच्छे से प्रेप भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो रोज वाटर जो है वो एज अ टोनर भी बहुत अच्छा वर्क करता है. एंड जो भी मेरे फेस पे लेफ्ट है उसे मैं अच्छे से अपने फेस में पुश कर लूंगी. नेक्स्ट मॉइस्चराइजर के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ जॉयका मॉइस्चराइजर. ये ड्राई फेस वालों के लिए बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है एंड ये बहुत ही अफोर्डेबल भी आता है. सो यू शुड ट्राई दिस वन. सो इसे मैं अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी एंड इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. एंड ये बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है आपके स्किन को. नेक्स्ट मैं यहाँ यूज़ करूँगी जीबी का ये रोजिप सीरम. सो इसके बारे में बताने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है. 2-3 ड्रॉप्स मैंने इसे अपने पाम पे लिया है एंड इसे मैं अपने फेस पे इस तरह से अप्लाई कर लूँगी एंड देन मैं अच्छे से मसाज करूँगी. सो प्राइमर के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये ब्लू हेवन का प्राइमर एंड ये प्राइमर बहुत ही अफोर्डेबल आता है एंड बहुत ही अच्छा वर्क भी करता है. सो इसे मैं अपने टी जोन एरियाज पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी. एंड प्राइमर जो है वो एक फाउंडेशन और आपके स्किन के बीच एक लेयर का भी काम करता है, तो आपको ये स्टेप बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है. सो फर्स्टली मैं अपने आईब्रो को फिल कर लूँगी. उसके लिए मैं दैट्स ओनली पैलेट से ये ब्लैक शेड एंड ये ब्राउन शेड पिक करूँगी एंड एक आईब्रो ब्रश की हेल्प से मैं अपने आईब्रो को फिल कर लूँगी. एंड सिंपली आपको अपने आईब्रो को फर्स्टली शेप देना है एंड उसे अच्छे से फिल कर लेना है, और जो भी आपके ब्रश पे लेफ्ट है वो अपने स्टार्टिंग पार्ट पे आपको फिल कर लेना है. सो या एंड देन स्पूल की हेल्प से सारे ब्रश को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है. कंसीलर के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ सिस ब्यूटी का कंसीलर एंड ये बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कंसीलर है. सो इसकी हेल्प से मैं अपने आईलिड को अच्छे से कंसील कर लूँगी. सो आपके पास अगर आई प्राइमर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. सो ब्रश की हेल्प से मैं अच्छे से अपने कंसीलर को ब्लेंड कर लूँगी. सो ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा ईजी होता है ब्लेंड करना. देन मैंने यहाँ पर लिया है वेट एंड वाइल्ड का रोज इन द एयर पैलेट. इसमें से मैं ये लाइट पीची शेड लूंगी एंड इसे मैं एज ट्रांजिशन शेड अपने क्रीज में ब्लेंड कर रही हूँ, प्लेस करते हुए देन इसे ब्लेंड कर रही हूँ. एंड बहुत ही लाइट हैंड से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ एंड अपने कलर को थोड़ा सा बिल्ड भी करती जा रही हूँ. नेक्स्ट मैं यहाँ ले रही हूँ कपल लैसेस का ये दैट सो मी पैलेट. मैं यहाँ ले रही हूँ ये ग्रीनिश टाइप ऑफ कलर जिसका नेम है ड्रीमर. सो इसे मैं अपने आउटर कॉर्नर पे प्लेस कर रही हूँ.
सो फर्स्टली मैं कलर प्लेस कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसे ब्लेंड करूँगी। आप देख सकते हो मैं बहुत ही ऐसे आराम आराम से प्लेस कर रही हूँ। एंड देन मैं यहाँ ब्लेंड कर रही हूँ अपने कलर को। नेक्स्ट मैं यहाँ ले रही हूँ ये पर्पली सिमरी शेड, इसका नेम है स्पाइसी। सो इसे मैं अपने मिडिल आईलिड पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। ये बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत ही प्यारा कलर है ये। मैंने यहाँ पे लिया ये गोल्डन शेड एंड इसे मैं अपने इनर कॉर्नर पे अप्लाई करूंगी। सो या गाइज, मेरा आई शेडो डन हो चुका है। नेक्स्ट मैं यहाँ अप्लाई करूंगी आईलाइनर। सो मैं एक मस्त सा विंग आईलाइनर ड्रॉ करूंगी, आप देख सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक है तो विंग आईलाइनर अच्छा लगता है थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक में। सो या नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपने आईलैशेस को थोड़ा सा कर्ल कर रही हूँ, अपने रियल आईलैशेस को। वैसे फॉल्सेस तो अप्लाई करूंगी मैं ही, अप्लाई करूंगी मस्कारा। सो आप देख सकते हो उसका इफेक्ट कितना सही है। सो आप चाहो तो लोटस का मस्कारा यूज़ कर सकते हो, बहुत सही रहता है। एंड देन मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ फॉल्स लैसेस, आप देख सकते हो। तो अगर आप जानना चाहते हो फॉल्स लैसेस कैसे लगाते हैं तो इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ, आप देख लेना। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने फाउंडेशन की तरफ एंड फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पे लिया है वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन एंड मेरा शेड है गोल्डन बेस। सो इसे मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी इसकी एप्लीकेटर की हेल्प से। एंड इसे ब्लेंड करने के लिए मैंने यहाँ पे एक फाउंडेशन ब्रश लिया है। सो मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ डाउनवर्ड मोशन में, आप देख सकते हो। सो ब्रश की हेल्प से, जैसा कि मैंने बताया, बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाता है। सो कन्वीनियंट लगता है ब्रश। नेक्स्ट हम सेम कंसीलर को अप्लाई करेंगे अपने कंसीलिंग एरियाज पे, जैसे कि अंडर ऑफ द आईज, ब्रिज ऑफ द नोज, फॉर हेड एंड अराउंड माउथ। या एंड इसे भी हम ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लेंगे। एंड इसे फैलाना नहीं है, बस जिस जगह पे आपने अप्लाई किया है वहीं पे आपको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। एंड अपने अंडर आईज पे मैं फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड कर लूँगी, क्योंकि बहुत ही ईजली होता है ब्लेंड करना। सो इस वजह से आप देख सकते हो कितना ईजली ब्लेंड हो गया। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे मेबलिन का कॉम्पैक्ट ले रही हूँ एंड उसकी हेल्प से मैं अपने कंसीलर को सेट कर लूँगी। सो मैं यहाँ पे अपने पूरे फेस को सेट नहीं कर रही हूँ, जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर यूज़ किया मैं बस उसी पार्ट को सेट कर रही हूँ। नेक्स्ट मैंने दैट्स सो मी पैलेट से ये ब्राउन शेड लिया है एंड उससे मैं अपने फेस को अच्छे से कॉन्टोर करूँगी, क्योंकि मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा ऐसे भरा सा मोटा सा लग रहा है। तो अपने फेस को शेप देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेकअप में, तो अब हम वो दे रहे हैं। आप देख सकते हो मैं अच्छे से अपने फेस को कॉन्टोर कर रही हूँ। सो आपको अपने ऑल ऑफ द चीक्स, फॉरहेड एंड जॉ लाइन को भी अच्छे से कंटोर करना है। नेक्स्ट फिंगर की हेल्प से मैं करूँगी अपने नोज़ को कॉन्टोर, क्योंकि फिंगर की हेल्प से बहुत ही ईजली कॉन्टोर हो जाता है बिना किसी मेहनत के। नेक्स्ट हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं ब्लश स्माइल करते हुए, एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल कलर गाइस। नेक्स्ट मैं यहाँ अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ ब्राउन शेड। नेक्स्ट मैंने यहाँ अप्लाई किया है दैट्स सो मी पैलेट से ये ब्लू शेड अपने लोअर लैश लाइन पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, इनहेंस कर दिया है इसने मेरे मेकअप को। नेक्स्ट हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर, तो इसे हम अच्छे से अपने चिक बोन्स पे, लिप्स पे, ब्रिज ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज एंड चिन पे, एंड हमें अपने ब्रावोन को भी हाईलाइट करना है, क्योंकि सारा चेहरा चमकता हुआ चाहिए हमें। नेक्स्ट मैं अपने इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट करूँगी
एंड इट्स टाइम फॉर लिपस्टिक। लिपस्टिक लिए मैंने यहाँ पे स्टोर कर की कि मैंने लिपस्टिक ली है एंड शेड ने मुझे याद नहीं है, मैं नीचे मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बट ये बहुत ही प्यारा शेड है। सो या गाइस, दिस इज़ माय फाइनल लुक। आप बताओ कि ये लुक आपको कैसा लगा, एंड बहुत ही प्यारा लुक है, बहुत ही इजी भी है। सो अगर आप चाहो तो एज अ वेडिंग गेस्ट आप इसे कैरी कर सकते हो। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। बाय गाइस, टेक केयर।